हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल अनिकेत अग्रहरि व्लॉग्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जीएस के और जीटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्प्ले किया हुआ था, तो उसमें मैंने ज़्यादातर मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्प्ले किया हुआ था, जिससे लोगों को काफ़ी डर लग रहा था कि भाई क्या भैया सारे आपके सिर्फ में मैथ्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या सारे मैथ्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जी नहीं, रीजनिंग और जीटी और जीएस सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्प्ले करने वाला हूं, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं जीके के क्वेश्चंस को डिस्प्ले कर दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पल पल का अपडेट सीयूईटी से रिलेटेड आप मेरे चैनल पर पा सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एनालॉगी के भर भर के क्वेश्चंस मेरे सिस्ट में पूछे गए थे। एनालॉगी से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वेश्चंस हो रहा होगा, बारी बारी से आपको 5 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से एनालॉगी के बने हुए थे और काफी आसान होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी का क्वेश्चन भैया आपका पूर्ण होता है और क्वेश्चन डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन से मेरे में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन। सिंग डिकोडिंग से भी मेरे में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीरीज के भी क्वेश्चन काफी अच्छे खासे नंबर्स में पूछे गए थे, तो सीरीज के मेरे में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इंडर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफी अच्छा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। ऑड वन से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लॉक और मिरर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके लिए बून साबित हो सकता है, 3 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछे गए थे, यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन। माइंड बेस्ड क्वेश्चंस 3 पूछे गए थे, ये भी आपके लिए एक बून साबित हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आपको आंसर्स मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आई से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ये रहा क्वेश्चन। सबसे आसान टॉपिक होता है वो होता है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से भी मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा आपका क्वेश्चन। रिलेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो। सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में रीजनिंग के पार्ट में पूछे गए थे, तो आप यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस एनटीए पूछता है, और आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जान सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज मेनली यही था कि आप अपने आप को चेक कर सके कि आप कितने पानी में हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।